नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, चंद्रशेखर आजाद जी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म हो गया है, यानी कि वोटिंग खत्म हो गई है। 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी 25 तारीख तक चलेंगे राजस्थान के चुनाव। तो राजस्थान में लगातार कैंपेन कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी। लेकिन अब भारत की सबसे पुरानी पार्टी और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी माने जाने वाली कांग्रेस को जीतने के लिए चंद्रशेखर के चेहरे की या फिर चंद्रशेखर के फोटो की जरूरत पड़ रही है। हाँ दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर देखिए, हाँ ये फोटो जिसमें आप लोग साफ साफ देख सकते हो कि सचिन पायलट जी विराट नगर आगमन होने वाला है उनका विराट नगर पे। लेकिन उस पोस्टर में आप देखिए, मैंने गोला करके रखा हुआ है, ग्रीन गोला हुआ है, वहां पर चंद्रशेखर आजाद की फोटो लगी हुई है। प्रियंका गांधी से पहले चंद्रशेखर आजाद की फोटो लगी हुई है। साफ साफ आप लोग देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके जूम भी कर सकते हो, बाकी मैं पूरा जूम तो कर ही रहा हूं। इसमें ये बताया गया है कि भैया सचिन पायलट जी का आगमन हो रहा है विराट नगर में, जिसमें चंद्रशेखर आजाद का फोटो लगा हुआ है। तो इससे क्या हो रहा है, जो दलित समाज है वो इन्फ्लुएंस की साइड हो रहा है कांग्रेस के साइड, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि सवर्ण समाज कांग्रेस को तो वोट देगा नहीं। उसके कांग्रेस का भरोसा कौन है, दलित पिछड़े आदिवासी, इन पे ही है डिपेंड है कांग्रेस। अगर ये वोट देंगे तभी कांग्रेस जीतेगी, और कांग्रेस जीतने के लिए अब चंद्रशेखर आजाद का चेहरा इस्तेमाल कर रही है। आप ये पोस्टर में देख सकते हो, जिसको लेकर कई भोजन कार्यकर्ता ये भी लिख रहे हैं कि मैं भोजन साथियों से एक बात कहना चाहता हूं, इस पोस्टर को अच्छे से देखो, कांग्रेस पार्टी वाले अच्छे अच्छे हथकंडे अपना रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी की फोटो लगा दी पोस्टर पे, ताकि SC ST भटक जाए। तो मेरे सभी भोजन साथियों से ये हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसे लोगों से ध्यान रखें और ऐसे लोगों के झांसे में ना आए। यानी कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के राजस्थान के कार्यकर्ता यही कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से ये जो कांग्रेस वाले हथकंडे अपना रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद की फोटो लगा रहे हैं और कई जगह चंद्रशेखर आजाद का नाम भी यूज कर रहे हो, तो इसे हथकंडे में ना आए, इसके भटकावे में ना आए। और जो हमारा गठबंधन हुआ है वो हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी के साथ हुआ है, हमारे गठबंधन को ही सपोर्ट करें। लेकिन दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हो, कांग्रेस जैसी पार्टी जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी मानी जाती है और अभी भी उसकी 5 से 6 राज्यों में सरकार है, और उसके पास भी अभी दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सांसद है, और कई हजारों में विधायक भी होंगे, मतलब कई सैकड़ों में विधायक भी होंगे उनके पास। अब ऐसी पार्टी को जीतने के लिए चंद्रशेखर आजाद के चेहरे की जरूरत पड़ रही है। तो इसका मतलब आप समझिए, इसकी गहराइयों को समझिए कि चंद्रशेखर आजाद का चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, बहुत मायने रखता है भारत की राजनीति में, केवल दलित और बहुजन की राजनीति में नहीं, पूरे भारत की राजनीति में चंद्रशेखर आजाद का नाम और चेहरा बहुत मायने रख रहा है। और आने वाले कुछ सालों में आप देखिएगा कि जितने भी देश के बड़े नेता है ना, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मोदी हो, अमित शाह हो, इनके लिस्ट में चंद्रशेखर आजाद का भी नाम होगा, और आजाद समाज पार्टी कुछ ना कुछ कमाल कर सकती है। आपको क्या लगता है, जिस प्रकार से ये कांग्रेस वाले चंद्रशेखर आजाद का फोटो यूज कर रहे हैं, कई जगह नाम भी यूज कर रहे हो, तो इसका क्या तात्पर्य निकल के सामने आ रहा है, नीचे कमेंट करके अपना उत्तर जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए, और हर वो मुद्दा जो आपको मनु स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाती है, मनुवादी मीडिया नहीं दिखाता है, उसे देखने के लिए भारत दत्त को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।